नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जो कि NCL है, ये एक मिनी रत्न कंपनी है। इन्होंने जॉब नोटिफिकेशन निकाला है और इसमें सुपरवाइजरी पोस्ट है और टेक्नीशियन पोस्ट है, तो इसमें 7 तरह की वैकेंसीज टोटल है। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। बट आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे चैनल प्रेप इंडिया पे अगर फर्स्ट टाइम आया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो पोस्ट है ये रेगुलर अपॉइंटमेंट्स के लिए है, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन नहीं है, ये एक परमानेंट पोजीशन है। और इसमें जो आपका डिप्लॉयमेंट होगा, जो आपको जॉब मिलेगी, वो अक्रॉस माइंस होगी या फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NCL इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की माइंस या उसके वहाँ पर जो ऑफिस हैं वहाँ पर इसमें आपकी जॉब रहेगी। सो आइए देखते हैं क्या है पोजीशंस एंड असेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए, पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी ग्रेड 6, ये मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, उसके बाद डिप्लोमा और रेलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 इयर्स कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग, ये सेम है, सिर्फ इसमें जो आपका डिग्री या और रेलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आगे जो टेक्नीशियंस पोस्ट है उसमें टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी ग्रेड 3, इसमें देखिए मेट्रिकुलेशन एंड ITI होना चाहिए, इशूड बाय NCVT SCVT एंड मिनिमम 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT SCVT अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, और ये फिटर ट्रेड में होना चाहिए। इस तरह से टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी ग्रेड 3 सब कुछ सेम है, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए और टेक्नीशियन टर्नर में टर्नर ट्रेड में होना चाहिए, मशीनिस्ट में देखिए मशीनिस्ट ट्रेड में होना चाहिए और वेल्डर वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो NCVT क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। सो उसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन की, ये 25/8/2020 रहेगी और यही आपका क्रूशल डेट भी है। क्रूशल डेट मतलब कि इस डेट के हिसाब से जो भी सारी एलिजिबिलिटी डिसाइड की जाएगी, कट ऑफ डेट आप इसको बोल सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं कि जो सुपरवाइजरी पोजीशंस हैं उसकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, अगर किसी के पास उनसे ज़्यादा ऊपर ही क्वालिफिकेशंस पे हैं तो वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो हायर क्वालिफिकेशंस है वो टेबल नंबर D में दी गई है। लेकिन जो टेक्नीशियन पोजीशंस हैं उसकी जो क्वालिफिकेशंस जो दी गई है वही होनी चाहिए, उससे ऊपर ही क्वालिफिकेशंस जो है वो नहीं ली जाएंगी। सो देखिए पोजीशन वैकेंसीज देख लेते हैं हम कितनी है। तो असिस्टेंट फॉरमैन ENT के लिए देखिए यहाँ पर टोटल 7 पोजीशंस हैं, आप ब्रेकअप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट का कैटेगरी वाइज यहाँ पे। और मैकेनिकल के देखिए यहाँ पर 47 पोजीशंस हैं एक्सकेवेशन के लिए, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में यहाँ पे 25 वैकेंसीज है। इसी तरह से टेक्नीशियन फिटर में देखिए 125 है एक्सकेवेशन में और 24 है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस में। दूसरी इलेक्ट्रिशियन में देखिए यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 141 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी। टेक्नीशियन टर्नर के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसीज है और यहाँ पे 16 वैकेंसीज है। देखिए मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे देखिए सिर्फ एक्सकेवेशन में 8 वैकेंसीज है, टेक्नीशियन वेल्डर में यहाँ पे एक्सकेवेशन में 62 है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 21 वैकेंसीज हैं, और आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हैं। तो ये टेबल नंबर D है जहाँ पर आपको देख सकते हैं सुपरवाइजरी पोजीशंस के लिए जो रेलिवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशंस है कि रिक्वायर्ड यहाँ पे डिप्लोमा है, लेकिन अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन यानी डिग्री भी है तो भी चलेगा, लेकिन ये जो ब्रांचेज हैं ये एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इस तरह से देखिए मैकेनिकल में भी अगर आपके पास मैकेनिकल है तो आप एलिजिबल है, लेकिन ये जो ब्रांचेस हैं अगर आपके पास है इंजीनियरिंग तो ये एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है नॉट एलिजिबल ब्रांचेस। सो ट्रेनिंग पीरियड एंड स्केल ऑफ पे फॉर वेरियस पोजीशंस यहाँ पे दिए गए हैं। सो पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी के लिए देखिए, सो ग्रेड C बेसिक रहेगा और उसका बेसिक है 31,852, और आप देख सकते हैं ट्रेनिंग 1 ईयर की रहेगी और आपके उसके बाद बनेंगे असिस्टेंट फोरमैन ENT ग्रेड C। सो यहाँ पे ट्रेनी आपका हट जाएगा 1 साल के बाद। सो सेम फोरमैन के लिए भी देखिए सेम है, और लेकिन यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी ये 2 इयर्स रहेगी और बाद में ये आप ट्रेनिंग की पोजीशन हट जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या क्या इसका बेसिक रहेगा, इसमें यहाँ पर डे बेसिक है, यहाँ पर मंथ बेसिक है टेक्नीशियन जो कैटेगरी है उसके लिए, और सबका 1-1 ईयर यहाँ पर
ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। इसके अलावा देखिए आपको अदर अलाउंसेज मिलेंगे जो यहाँ दिए गए हैं, DA, ट्रांसपोर्ट, HRA, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह, ये भी रहेगा। तो रिजर्वेशंस रहेगा इसमें, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो जो रिजर्वेशंस के रूल है वो इसमें फॉलो होंगे। एज लिमिट देख सकते हैं, तो एज लिमिट देखिए जो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन क्रूशल डेट, एंड एज जो है वो 30 ईयर्स एक्सीड नहीं होना चाहिए, 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए जो क्रूशल डेट दी गई है उसके हिसाब से। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन जो मिलेगा एज में वो यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं तो अनरिजर्व OBC EWS के लिए 500 रुपीज़ है, और जो रिजर्व कैटेगरी है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए निल यहाँ पर है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस में, सो आपको जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है उनको एक रिटर्न टेस्ट के लिए आना पड़ेगा, और जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे ही होगा। सो रिटर्न टेस्ट जो होगा वो हर एक 7 पोजिशंस के लिए जो है उसके लिए अलग अलग दिया रहेगा, जैसे टेबल ए में दिया गया है। टेस्ट 100 मार्क का रहेगा, 90 मिनट्स ड्यूरेशन, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए 70 मार्क्स का रहेगा, जिसमें टेक्निकल सेक्शन रहेगा जो रेलेवेंट पोस्ट के लिए जुड़े क्वेश्चंस आएंगे। पार्ट बी 30 मार्क्स का रहेगा जो जनरल क्वेश्चंस आएंगे, और जनरल क्वेश्चंस में जो जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एक्सेट्रा रहेगा, और उसका डिटेल्ड सिलेबस है वो आप NCL की वेबसाइट से देख सकते हैं। और उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 4 चॉइस रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें आप इंटेलिजेंट गेस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन बुकलेट इंग्लिश या हिंदी में रहेगा जो कि वहाँ पे दिया जाएगा, और एक आपको OMR शीट रहेगा, तो ये आपका कंप्यूटर पे नहीं रहेगा, ये पेन पेंसिल का एग्ज़ाम रहेगा। सो जो रिटर्न टेस्ट के सेंटर्स रहेंगे ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, तो MP और UP में, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में सेंटर्स रहेंगे। और यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मार्क दिए गए हैं देखिए, तो 50 मार्क्स अनरिजर्व के लिए रहेंगे, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रखे गए हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पोजीशंस दी गई है वहाँ पे आप देखेंगे उसके 2 पार्ट किए गए हैं, जो कि एक्सकवेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो कोई एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली दोनों पोस्ट के लिए उसका एप्लीकेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है अप्लाइड फॉर बोथ एक्सकवेशन कैडर एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर, क्योंकि दोनों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं, मैं इसकी जो नोटिफिकेशन की जो लिंक है, डाउनलोड लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। हाउ टू अप्लाई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, तो आपको NCL की वेबसाइट में जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट में, वहाँ पर जाके इस तरह से आप जाएंगे NCLCIL.in, वहाँ पर कैरियर सेक्शन में जाना है, फिर रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर नोटिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर आप जाके इसको नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में दिए गए हैं। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है 500 रुपीज़ ओपन के लिए, और जो रिजर्व उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो इस तरह से ये स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में फ़ी पेमेंट करना है, तीसरे में अप्लाई करना है, चौथे में एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। तो यहाँ पर सब स्टेप्स दिए गए हैं 1 by 1, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, इसको जस्ट आपको हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ता हूँ मैं। तो स्टेप्स 4 हो गए हैं, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे स्पेशल नोट दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं कि आपको कोई भी एप्लीकेशन पोस्ट नहीं करनी है, और कोई भी आपको सर्टिफिकेट्स हार्ड कॉपी या कोई भी चीज़ आपको पोस्ट नहीं करनी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स देखिए, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन जो फॉर्म होगा वो 3/8 को ये चालू होगा, तो ये अभी तो ये एप्लीकेशन चालू नहीं हुआ, अगले महीने से चालू होगा 3/8 को, 3 अगस्त से इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 25 अगस्त और बाकी के जो भी प्रोग्राम है वो आपको बता दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा, जिसमें आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, रिटर्न टेस्ट की क्या डेट रहेगी और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स क्या रहेंगे, इन सब की डेट्स आपको बाद में बताई जाएगी। और यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, और एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं कोई एक क्लैरिफिकेशन या आपको कोई क्वेरी है तो। और तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ख़त्म होता है, यहाँ से कुछ फॉर्म्स चालू हो रहे हैं, परफॉर्मर हैं जो आपको चाहिए, जिस कैटेगरी या जिस चीज़ में आपको रिलैक्सेशन चाहिए वहाँ के ये फॉर्म्स यहाँ पे दिए गए, जैसे OBC का फॉर्म था, जैसे डिसेबिलिटी का फॉर्म है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस नोटिफिकेशन में इतना ही, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट करें कि इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स का शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसमें
अप्लाई कर सके, अगर वो भी इसमें इंटरेस्टेड है तो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल प्रेपरनेस जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।